अवध पोल्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन ने राजधानी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बताया कि किस तरह की दिक्कतें उनको आ रही है और सरकार से क्या क्या सुविधा वो चाहते हैं। देखिए हमारे संवाददाता अनुराग द्विवेदी के खास रिपोर्ट की किस तरह से उन्होंने अपने दर्द को हमारे चैनल से साझा किया। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। होगी पिछले 30 सालों से इस पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़ा हूँ, ऐसे हालात कभी पहले नहीं। आज इंटीग्रेशन कंपनियाँ सरकार से अनुमति लेकर आई हैं, बगैर अनुमति के हैं काम कर रही हैं, कहीं से इनको सरकार ने अनुमति दी है कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ये जितना भी काम कर रही हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की पूरी पोल्ट्री को ख़त्म करने की साजिश के तहत काम कर रही हैं। मतलब सीधा सीधा निशाना मौजूदा सरकार जो योगी आई है समर्थन है वो सीधा जी भी समर्थन में थे और योगी सरकार मैं निशाने की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर निशाना सीधे मौजूदा सरकार पर है। बिल्कुल है, अगर कोई किसानों के हितों को ध्यान में ही रख रहा है तो सरकार उसके लिए सीधे दोषी है। आज की तारीख में क्या सरकारों के जो अधिकारी हैं इतने निकम्मे हो गए हैं, उनको इतनी जानकारी भी नहीं है, वो सरकार तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी निभा नहीं पा रहे हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश की पोल्ट्री खत्म होती जा रही है। 10-10 हज़ार की यूनिट लगवा देते हो और जब हम बेचते हैं तो 62 रुपये मुर्गा बेचते हैं, 15 रुपये घाटा किससे कहाँ से जाएंगी? सरकार इस पर फोकस क्यों नहीं करती है? अगर वो फार्म खुलवा रही है तो कारोबार दे रही बहुत अच्छी बात है, लेकिन साहब घाटे का कारोबार देना कहाँ से उचित है? मैं ये चाहता हूँ योगी जी अगर कहीं से हमारा हित चाहते हैं तो कम से कम इस पर ध्यान आकर्षित करें, अपने अधिकारियों को बोलें कि साहब ये पोल्ट्री फार्मर इतना परेशान क्यों है और वो कर क्या रहे हो आप लोग? लाखों रुपये की तनख्वाह उठा रहे हो सिर्फ इसलिए कि हमको यूनिटें बढ़वानी है। मुर्गे का भी समाधान होना चाहिए, बिक्री भी हो लाभ भी हो, तब हम कहेंगे प्रदेश सरकार हमारी अच्छे कार्य कर रही है, मैं कैसे उसकी तारीफ कर दूं? कल के अभी आप सफाई को लेके बात कर रहे थे मौजूदा सरकार के ऊपर, जिस तरीके की आप लोग अभी टिप्पणियां उठा रहे थे, मेरा इतना ही कहना है आपका कि जब आप बाजार में निकलते हैं तो देखते हैं उस मंडी में कितनी गंदगी रहती है। सर, इसका सरकार जिम्मेदार है? हाँ सरकार जिम्मेदार है। कैसे? सरकार जब हमको जगह नहीं देगी तो पेट पालने के लिए तो हम सड़क में काम करेंगे। अच्छा, सड़क के किनारे से जितनी फुटपाथ लगती हैं तो क्या वो चोरी करने थोड़ी बैठी है? वो तो पेट का निर्वाह कर लेंगे। और अगर वो गलत था, आप उस सब्जेक्ट की बात करिए, फुटपाथ नहीं, फुटपाथ पे तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्टों की दुकानें लगती हैं। आप फार्म हाउस को लेके बैठे हुए हैं, आप उस मुद्दे पे बात करिए। हम सर पोल्ट्री का कार्य करते हैं, हमारे कार्य से सरकार को अगर किसी तरह की कोई शिकायत है तो हमको बताएं कि इस समस्या का इस तरह से आप निदान करें। शहर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप एक मिनट खड़े नहीं हो पाओगे, मालूम है आपको? बिल्कुल ठीक है सर। खड़े हो पाओगे वहाँ पे? ठीक सर। तो फिर सरकार उसके एक गंदगी का बाध्य जो बन रहा है शहर, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। अच्छा, सरकार आ जा रही वहाँ डालने के लिए, उसको रोके और हमको नए रास्ते दिखाए। कारोबार बंद करना सरकार की प्राथमिकता नहीं होती। वो ये नहीं कह रहा है, सरकार ये कह रही जितना करो अच्छा करो और साफ सफाई के साथ करो। हम अच्छा करें कैसे? हमको गोष्ठियां दें, हमको उसकी ट्रेनिंग दें, हमको बताएं, हमको साधन उपलब्ध कराएं। ये थोड़ा ना है कि आपने बस कह दिया, हम मान लिया गया। ट्रेनिंग तो गंदगी को सफाई के लिए, जी सर ठीक है ना, ट्रेनिंग तो जामजात से ही इंसान करता है ना, घर से बाहर समाज से ट्रेनिंग। सिर्फ मुद्दा इस बात का है कि आप लोग कारोबार करो, कुछ भी करो अच्छे तरीके से, लेकिन गंदगी मत करो। सर हमको पता है किस चीज़ को वो कहते हैं साफ, हम अपने हिसाब से बिल्कुल साफ हैं। हमको उसमें भी अगर उनको कमियां दिखती हैं तो उसको स्पष्ट करें, हम उन कमियों को दूर करने के लिए तैयार हैं। हम तो उनको टैक्स देने के लिए तैयार हैं, मंडी खोलें, हमसे टैक्स ले लें, सेल टैक्स लगा लें, GST ले लें, हमको साधन तो उपलब्ध कराएं। मौजूदा सरकार में आप क्या कहना चाहते हैं, उससे सरकार से क्या चाहते हैं? मौजूदा सरकार चाहते हैं वो मंडी तय बनाए, जिस तरह से सारी मंडियां हैं, अनाज की है, मछली, मुर्गा मंडी बनाए। और ये सालों से मांग चली आ रही है हमारी कि मंडी बनाए और वो हमसे टैक्स लें ताकि उनकी रोज रोज की समस्या से हम लोग साफ छुटकारा पा जाए। आए दिन सरकारें हमको तंग करती।